सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में हमने ब्रेड पिज्ज़ा बनाया है, बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और बड़ों का भी फेवरेट होता है ब्रेड पिज्ज़ा। तो ये ब्रेड पिज्ज़ा हमने पैन में बनाया है, तो किस तरह से हमने ये बनाया है तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 ब्रेड ले लिए हैं, बहुत ही जल्दी ये ब्रेड पिज्ज़ा बनकर रेडी हो जाता है। जब आपके कभी भी भूख लगे तो आप ये ब्रेड पिज्ज़ा बनाकर खा सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन्हें हम साइड में रख देंगे। ये हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हमें थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देना है, इस तरह से पूरे में इस तरह से हमें बटर अप्लाई कर देना है। फिर हमने पैन को गर्म कर लिया था, उसके बाद ही हमें बटर अप्लाई करना है। बटर हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि जब हम इसमें ब्रेड रखें तो वो ब्रेड नीचे से चिपके नहीं। चलिए एक एक ब्रेड हम इस तरह से रख देंगे। इस तरह से आपको रख देना है ब्रेड। अब इसमें हमें ये पिज्जा सॉस ऐड कर देना है इस तरह से। फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो पिज्जे से भी अच्छा लगता है ये ब्रेड पिज्जा। पूरे में इस तरह से हमें अप्लाई कर देना है फ्रेंड्स। इसी में हमें ये मेयोनीज ऐड कर देनी है। इस तरह से आप किनारे किनारे इस तरह से लगा लीजिए, या आप चाहें तो पूरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेयोनीज भी हमने ऐड कर दिए। और इसी में हमें कुछ वेजिटेबल्स रख देने हैं इस तरह से। आप चाहें तो और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ये मोज़रेला चीज है, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। बच्चे चीज तो वैसे भी ज्यादा पसंद करते हैं। इसी में हमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देना है। देखिए मैंने सारा मटेरियल हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए अभी इसे 4 से 5 मिनट तक के हम इसे कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, गैस पे हमने इस पैन को रख दिया है और गैस का फ्लेम हमें ऑन कर देना है। फ्लेम पर ही आपको इसे कुक करना है, वरना अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो नीचे से ये जलने लगेगा। तो इस तरह से हमें लीड लगा देना है। फ्रेंड, चीज मेल्ट होने लगा है। हमने इसे ओवन में नहीं बनाया है, आपको पैन में ही इसलिए हम बनाकर दिखा रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप पैन में घर में ही ये ब्रेड पिज्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। और बच्चों को तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है ये ब्रेड पिज्ज़ा, तो आप इस तरह से बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, सारा चीज़ मेल्ट हो चुका है, ये हमारा ब्रेड पिज्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, पूरा चीज़ इस तरह से मेल्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, छोटी छोटी भूख पर आप ये ब्रेड पिज्ज़ा बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को घर पर आसानी से बनाकर दे सकते हैं। स्नैक के तौर पर भी आप ये बनाकर खा सकते हैं। ये रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।